तो गाइस यार लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि सिंचैन और मैंने और हाँ चॉप ने भी गाइस मदद की थी थोड़ी सी। तो गाइस हम लोगों ने बनवाया है एक बेस कैंप। और हाँ अभी कर्नल ने मुझे बुलाया है सुबह सुबह, पता नहीं क्या काम होगा। सिंचैन हम लोगों ने बेस कैंप बनवा दिया, लेकिन अब कर्नल को हमसे क्या काम है यार। अरे यार काम उनको है तो पता भी उन्हीं को होगा ना, मुझे थोड़ी पता होगा। ओह अरे सिंचैन बिल्कुल सही बोला। और तो और गाइस चॉप ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। चॉप देखियो जैसे हम लोग बाहर जाएंगे ना तेरे को मैं ज़ॉम्बीज के बीच में छोड़ दूंगा यार। अरे यार मजाक थोड़ी उड़ाया, सिंचैन ने सही तो बोला, अब कर्नल ने हमें बुलाया है तो काम भी तो कर्नल को ही पता होगा ना। हाँ हाँ ठीक है। तो गाइस आप लोगों को पता चल गया कि कर्नल ने हमें बुलाया है और सिंचैन और मुझे। चॉप तू भी चलेगा क्या? अरे हाँ जाने का मन तो है, क्या बोलते हो, जाऊं क्या आपके साथ? हाँ चल ले, वैसे भी कोई हमारे बीच में रहे और हाँ ज़ॉम्बी आएगा सबसे पहले तुझे खाएगा यार। अरे इसीलिए लेके जा रहे हो? गाइस देखो ये लोग तो मुझे इसीलिए लेके जा रहे हैं ताकि ज़ॉम्बी पहले मुझे काटे। अरे चॉप ऐसा नहीं है, हम लोग तो तेरे को अपने साथ लेके जा रहे हैं यार, ऐसा मत समझ कि ज़ॉम्बी आएंगे तो हम तुझे छोड़ देंगे यार। हाँ चॉप मैं भी मजाक कर रहा था। और गाइस लॉस सैंटोस में ना पूरा ज़ॉम्बी फैल चुके हैं और लिटरली गाइस जिसने भी ये ज़ॉम्बी फैलाया होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और हाँ सर एक बात बताइए, ये ज़ॉम्बी किसने फैलाया है आपको अभी तक पता चला कुछ? हाँ अभी तक नहीं पता चला, जिसने फैलाया है वो कुछ ज्यादा ही साथी रहे फ्रैंकलिन। अच्छा अच्छा और ये देखो गाइस हमारे माइकल भैया और सिमोन भैया पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, जो भी हो हमें क्या मतलब है। चल सिंचैन इनको इनका बात करने दे, हम लोग अपना काम करके आते हैं यार। अरे बिल्कुल सही बोला गाइस, यार कर्नल ने बुलाया है तो काम भी तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग हैं। सॉरी सॉरी मैं तो नहीं हूँ, फ्रैंकलिन भैया है ज़ॉम्बी इंचार्ज। हाँ गाइस कर्नल ने मुझे लास्ट टाइम पे ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर बनाया था, ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर बनाया था। और गाइस लिटरली मुझे पूरे लॉस सैंटोस के ज़ॉम्बीज को ठीक भी करना है और उनको वापस नॉर्मल भी करना है और सभी ज़ॉम्बीज का खात्मा करना है। तो सिंचैन चले हम लोग बाहर अब। अरे हाँ हाँ चलो, पहले आप बाहर जाओ फिर मैं जाऊंगा, और चुप मेरे से पहले तू जाइयो ठीक है? अरे यार मेरा क्या है गाइस, मैं तो जाते के साथ जंप मार लूंगा, समझ गए फ्रैंकलिन भैया? हाँ हाँ ठीक है। गाइस लिटरली यहाँ से मुझे ज़ॉम्बीज तो नहीं दिखे, एक काम करता हूँ ऊपर जाता हूँ और ऊपर से देखता हूँ कितने सारे ज़ॉम्बीज है यार। अरे ज़ॉम्बीज तो होंगे ही ना गाइस, यार सच में ज़ॉम्बीज नहीं होंगे तो मजा थोड़ी आएगा क्यों चुप? अरे गाइस ये सिंचैन पागल है क्या, तेरे को ज़ॉम्बीज से मजा आता है क्या? हाँ हाँ रुक जाओ, और घर के आस पास में कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है, चलो इतने ज्यादा दूर है। सिंचैन मैं तो चला बाहर, फटाक से आ जियो वरना ज़ॉम्बीज को पता चला कि कोई है आसपास तो तुझे ही पकड़ेंगे सबसे पहले। अरे मुझे नहीं पकड़ेंगे गाइस, मैं तो बहुत ज्यादा चालू हूँ, आऊंगा डायरेक्ट और गाड़ी के अंदर बैठ जाऊंगा। एक दो तीन फ्रैंकलिन भैया रुको, अरे मैं भी आया यार। हाँ हाँ जल्दी घुस जा। और लो गाइस आप लोगों को बताना भूल गया, लास्ट टाइम ये वाली कार भी लाया था मैं, और हाँ इसकी पावर तो आप देख ही चुके हो, लिटरली गाइस ये देखने में कुछ और है। और हाँ इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, देखो गाइस किसी को भी टच करे वो तो धड़ाम से उड़ जाता है, लिटरली इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है और देखने में बिल्कुल भंगार लगती है। सिंचैन तुझे क्या लगता है ये गाड़ी ज्यादा पावरफुल नहीं है क्या? अरे ज्यादा क्या, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब मैंने इस कार को पहली बार देखा था तो मैंने सोचा ये क्या मिल गया, और जब ये किसी को ठोकती है तो मैं सोचता हूँ ये क्या मिल गया। हाँ गाइस लिटरली एक बार में जिसको ठोके वो तो हवा में जाए, लिटरली आगे कोई कार दिखती है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो एक दो और ये तीन, तीनों कार हवा में। लिटरली गाइस आप लोग को ये कार बढ़िया लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो चलो ओके गाइस अबे फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं आर्मी बेस कैंप, और लिटरली गाइस यहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहले से ही हैं, सही में मैं इनको नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता, लेकिन गाइस ये लोग ना मेरी गाड़ी के आगे आ जाते हैं। और हाँ ये देखो इतने सारे, छोड़ो छोड़ो साइड से निकल जाता हूँ वरना मैंने किसी को ठोक दिया ना गाइस तो दो चार घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे, उसके बाद वापस खाएंगे खाएंगे बोलते रहेंगे यार। फ्रैंकलिन भैया वही तो, ये ज़ॉम्बीज़ में दिमाग बहुत है गाइस,
देखो गाड़ी देखते के साथ हमारे पीछे पड़ जाते हैं यार। नहीं नहीं सिंचन, ये गाड़ी नहीं देखते, इनके कान में कोई आवाज जाती है उसके बाद उस साउंड के पीछे ये लोग पड़ जाते हैं, और हाँ उसके बाद वहाँ पे कोई होगा तो उसको काट देते हैं। लिटरली गाइस, इनको सुनाई और दिखाई बहुत ज्यादा देता है लिटरली। और ये देखो चॉप की तरह डॉग्स भी हैं जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। लो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आर्मी बेस। कौन है गाड़ी के अंदर, बाहर निकला? अरे मैं फ्रैंकलिन हूँ गाइस, बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि आर्मी बेस कैंप के अंदर बिना शकल दिखाए मैं अंदर नहीं जा सकता। लो रुको एक मिनट, गन मत चला देना, मैं फ्रैंकलिन हूँ ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर, मुझे नहीं जानते तुम। अरे सर सॉरी सर, मुझे माफ करिएगा, चलिए अब गाड़ी के अंदर आ सकते हैं, मुझे लगा कोई और है, माफ करिएगा सर, मेरी शिकायत मत करिएगा अंदर। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम अपना काम ढंग से कर रहे हो, चलो फटाफट गेट खोल दो। ठीक है सर, अभी गेट खोलता हूं। ज़ॉम्बी गेट ओपन, ज़ॉम्बी गेट ओपन। गाइस यार आप लोग देख सकते हो यहाँ तो ज़ॉम्बीज के लिए डबल गेट लगा रखा है यार। हाँ हाँ, क्योंकि लॉस सैंटोस का आर्मी बेस कैंप है सिंचन, और चॉप ये ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहते हैं, और हाँ यहाँ एक बार ज़ॉम्बी फैल गए फिर पूरे लॉस सैंटोस कौन बचाएगा, यही लोग तो हैं जो लॉस सैंटोस को बचा रहे हैं, और हाँ इनकी मदद मैं भी कर रहा हूँ यार। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला आप, मैं सिंचन हम तीनों भी मदद कर रहे हैं, ऊपर से आर्मी वाले रात दिन जग कर काम भी तो कर रहे हैं यार। हाँ गाइस, क्योंकि ज़ॉम्बी फैलता ही जा रहा है और जो लोग ज़ॉम्बी नहीं थे वो लोग भी लगातार ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। और वेट, हम लोग पहुंचने वाले हैं कर्नल के पास, और कर्नल है कहाँ सिंचन? हाँ हाँ वॉर स्टोर के पास ही होंगे, चलो फिलहाल मैं पहुंचने वाला हूँ यार। अरे वो देखो, अरे वो रे कर्नल, कर्नल अंकल ये देखिए हम लोग आ गए यार। अरे सिंचन तू गाड़ी के अंदर है और गाड़ी के अंदर से आवाज नहीं जा रही होगी। हाय कर्नल मैं आ गया। आओ आओ फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे लगा फ्रैंकलिन कहीं भूल तो नहीं गया कि मैंने उसे बुलाया है। नहीं नहीं कर्नल, मैं भूला नहीं था, आप बताओ आपने हमें क्यों बुलाया है यार। अरे हाँ सेम क्वेश्चन कर्नल अंकल, हमें बताइए आपने हमें क्यों बुलाया है यार। रुको रुको, थोड़ा शांत रहो और थोड़ा आराम कर लो। सुनो, हम लोगों ने बेस कैंप तो बना दिया जो तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन लॉस सैंटोस की जनता को कौन बचाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अच्छा अब जाके मैं समझा सारी बात। सिंचन तू समझा क्या? अरे हाँ मैं समझ गया, गाइस जो लोग फंसे हैं उनको बचाना है, यही करना लंकलना है। हाँ हाँ यही, लेकिन मुझे पता है ये काम तुम ही कर सकते हो, और तो और लॉस सैंटोस को तुम ही बचा सकते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, और फटाफट मेरी कार में बैठो। एक मिनट, हम आपकी कार में क्यों जा रहे हैं? ट्रैंगल भैया महंगी गाड़ी है यार, बैठ जाओ ना, हमारा क्या जा रहा है। अरे नहीं नहीं ये बात नहीं है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, वो है बस, और बस में तुम पूरे लॉस सैंटोस की जनता को बचाओगे क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, इसीलिए फ्रैंकलिन। अरे हाँ जितने लोग बैठेंगे हम बैठाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरी बस भर दे यार। अरे नहीं, बस के ऊपर अंदर जितने लोग आए उनको ले आना, और ये देखिए हमारे आर्मी वालों ने बनाया है ये स्पेशल बस जो ज़ॉम्बी से लड़ सके, और एंटी ज़ॉम्बी बस है ये, इसके अंदर कभी ज़ॉम्बी नहीं घुस सकते क्योंकि इसके अंदर करंट बहता है और ओनली ऑन ये ज़ॉम्बीज को ही लगता है यार। अरे यार इतना नहीं पता मुझे फ्रैंकलिन भैया, ये बस तो एडवांस है पर दिखने में तो नॉर्मल बस की तरह ही है अंकल। अरे हाँ ये हमने बनाया है इसीलिए दिखने में नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कोई ज़ॉम्बी एंटर करता है वो करंट खा के अपने आप बेहोश हो जाएगा, इसीलिए जो भी ज़ॉम्बी होगा इसके अंदर घुस नहीं सकता है। अच्छा वाह यार ये तो बहुत अच्छा है, फ्रैंकलिन भैया आपको कैसा लगा इनका आइडिया? अरे मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। हाँ इसीलिए बोल रहे हैं एक बस लो और लॉस सैंटोस की जनता को बचाओ, जिससे हमारे लॉस सैंटोस की जनता सेफ रहे और सुरक्षित रहे और ज़ॉम्बी से बची रहे फ्रैंकलिन। अरे वो सब तो ठीक है पर हमें ये नहीं पता ना हमारी जनता फंसी कहाँ पर है, हम लोग तो ऐसे बहुत ज्यादा भटक जाएंगे, अगर आपके पास लोकेशन हो तो हम दोनों को लोकेशन दे दीजिए यार। अरे हाँ हम लोगों ने बस में पहले से ही लोकेशन फिट कर रखी है,
तुम जोन सा बस ले लो, उन सभी बसों में लोकेशन है और हमारी टीम ने पता लगाया है कहां कहां पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, इसलिए आप जाओ और फटाफट से सबको बचाओ। हाँ हाँ कर्नल मैं समझ गया, और ये ब्लू वाली बस मुझे बहुत बढ़िया लगी। सिंचन चल फटाफट से चलते हैं और सबको बचाते हैं यार। अरे फ्रैंकलिन भैया आपको बस चलाने का एक्सपीरियंस है ना, वरना पता चले यहाँ से निकलते के साथ ठोक दो आप, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं मुझे आता है। सिंचन तुझे ये नहीं पता क्या कि फ्रैंकलिन भैया बस एकदम आराम से चला लेते हैं? अरे नहीं यार मुझे इतना ध्यान नहीं है, देख के तो लग ही रहा है कि फ्रैंकलिन भैया आराम से चला लेते हैं यार। हाँ गाइस क्योंकि मैंने पहले भी चलाया है, और हाँ बस को चलाना थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चलो फिलहाल अभी हम लोग बाहर निकलते हैं और फटाफट से लॉस सैंटोस के लोगों को बचाते हैं जो लोग गाइस सरवाइव कर रहे हैं, और लिटरली अभी तक सरवाइव कर रहे हैं गाइस वो लोग, क्योंकि लॉस सैंटोस पूरी तरह ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है। और ये देखो फ्लाईओवर में इतने सारे ज़ॉम्बीज है, एक काम करता हूँ साइड से निकल जाता हूँ, क्यों सिंचन? अरे हाँ साइड से चलो, वैसे भी फ्लाईओवर पूरा कवर हो रखा है ज़ॉम्बीज से। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ तो आर्मी ऑफिसर भी हैं जो बेचारे ज़ॉम्बी बन गए। फ्रैंकलिन भैया इन सभी को भी हमें ठीक करना है यार। हाँ गाइस ये प्यारे प्यारे मासूम से हमारे आर्मी ऑफिसर जो लोग ज़ॉम्बीज को भगाने गए थे, और ज़ॉम्बीज ने इन्हीं को पकड़ लिया और तो और इनको काट लिया, और लिटरली गाइस वो लोग भी ज़ॉम्बी बन गए। और देखो उनकी ड्रेस भी ज़ॉम्बी वाली नहीं आर्मी वाली है यार। अरे हाँ फ्रैंकलिन भी देख लिया, अरे इस रास्ते में भी बहुत ज़ॉम्बी है, नीचे वाला रास्ता बढ़िया है यार। हाँ गाइस पूरे पहाड़ में बस ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है, लिटरली इनसे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पकड़ो बस के अंदर लोग है, खाएंगे खाएंगे भूख लग रही है। अरे बस बस बाद में खाना है, फिलहाल अभी हमें जाने दो। फ्रैंकलिन भैया देखा उस ज़ॉम्बी ने बोला बस के अंदर है, मतलब लगता है गाइस ये ज़ॉम्बी मुझे नहीं देख पा रही यार। और देख भी लेंगे ना तो तेरे पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को चढ़ना तो आता ही नहीं है, इनका माइंड काम ही नहीं करता। चलो ओके गाइस अभी बस में दी हुई लोकेशन के हिसाब से हम लोग जल्द से जल्द फर्स्ट लोकेशन में पहुंचने वाले हैं, और लिटरली गाइस वो लोकेशन आस पास में ही है। सिंचन हम लोग तो लगभग पहुंच गए यार। अरे हाँ लोकेशन तो दिख रही है, लेकिन फ्रैंकलिन भैया यार मुझे बंदे तो नहीं दिख रहे यार। हाँ गाइस मैं करेक्ट लोकेशन में पहुंच गया हूँ, बट गाइस मेरे को ना आस पास में ज़ॉम्बीज के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। सिंचन मैं तो करेक्ट लोकेशन में पहुंचा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं। कोई है यहाँ पर? हम आपको बचाने आए हैं, कोई है क्या यहाँ पर? सिंचन मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, तुझे आ रहा है क्या चौप? अरे नहीं यार मुझे भी नहीं आ रहा है। और यार मुझे दिखेगा तो मैं पहले बोल दूंगा, पर मुझे तो अभी तक कोई आदमी नहीं दिखा, सिर्फ ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी दिख रहे हैं यार। हाँ गाइस मुझे भी ज़ॉम्बी दिख रहे हैं, लिटरली यही आसपास का लोकेशन है और यहाँ। अरे नीचे देखो फ्रैंकलिन भैया, नीचे एक रोड जा रही है। हाँ हाँ और एक मिनट, इसी के अंदर है सारे लोग, वो देखो गाइस लिटरली मैंने देख लिया, लेकिन कोई आदमी इधर नहीं देख रहा। रुको मुझे सामने से जाने दो। और हाँ अब मैं समझा कि लोकेशन यहाँ की क्यों दिखा रही थी गाइस, क्योंकि ना सारे लोग वहीं पर हैं लेकिन अंदर हैं गाइस, वो भी बेसमेंट के अंदर। अरे वाह यार क्या पैक किया है अपने आपको। गाइस आप लोग देख सकते हो ये जितने भी लोग बेचारे फंसे हुए हैं कितने दिन से होंगे अंदर, मैं तो यही सोच रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया। और तो और गाइस भूखे प्यासे, और तो और उनको भूख भी लग रही होगी। चलो अभी एक काम करता हूँ, बस को कुछ ऐसा लगाता हूँ कि ज़ॉम्बीज उधर ना जा पाए। हाँ अभी सारे ज़ॉम्बीज इधर रहेंगे। सिंचन आज तो मजा आएगा और हम लोग लॉस सैंटोस के लोगों को बचा लेंगे। सिंचन आजा आजा नीचे आजा फटाक से। अरे हाँ चलो पहले आप बाहर चलो। गाइस मैं भी पीछे से आता हूँ, फ्रैंकलिन भी आराम से। और लो गाइस यहाँ पे एक भी ज़ॉम्बीज नहीं आ पा रहा। चलो अभी वेट वेट वेट, वो ज़ॉम्बीज कुछ ज्यादा ही चला गए। ये ले गाइस लिटरली ये तो घूम के आने लग गया था। अरे हाँ बाकी ना आ जाए गाइस रुको। अरे गेट खोल दो, हम इंसान है यार। हाँ हाँ
गेट खोलो, हम लोग आपको बचाने हैं, फटाफट खोल दो यार। अरे ज़ॉम्बी तो नहीं हो ना सर आप? अरे नहीं, हम ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं। और हाँ, मैं लॉस सैंटोस का ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर हूँ और मुझे आप लोग को बचाने के लिए भेजा है, इसीलिए फटाफट गेट खोल दो यार। दो मिनट सर, हम अभी आपके लिए गेट खोलते हैं। अरे गेट खोलो भाई, ये हमारी जान बचाने आए हैं। और हाँ, आप लोग देख सकते हो मैं बस भी लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोग को लेके जाऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ फटाफट खोल दो वरना ज़ॉम्बीज कभी भी आ जाएंगे। सर हमने खोल दिया है, हम यहाँ बहुत दिन से फंसे हुए हैं, हम ऐसे ही आपके इंतजार कर रहे थे, अगर आज आप नहीं आए होते तो हम लोगों का क्या होता सर? नहीं नहीं, आप लोगों को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बचाने आ गया हूँ। अभी फिलहाल ना सब लोग एक एक करके मेरे बस में बैठ जाना, और हाँ कोई भी मत डरना, क्योंकि मैं आपके लिए आ चुका हूँ यार। फ्रैंकलिन भैया यार, सब लोग बैठ जाना, पहले बता रहा हूँ हमारे पास ज्यादा यार लोग नहीं है, हम ही दो हैं यार। हाँ हाँ, और तो और मैं और सिंचन, हम दोनों ही हैं जो आप लोगों को बचा सकते हैं। सिंचन फटाफट कवर दियो, और कोई भी ज़ॉम्बी आए उसको छोड़ियो मत यार। अरे हाँ, कोई भी ज़ॉम्बी आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं, सब लोग अंदर बैठ के जा। ज़ॉम्बीज भाई, गाइस मुझे तो लगा मेरे को ये मार ही देगा यार। अरे मैंने देखा भी नहीं, कितने पास में आ गए थे यार, जैसे ही आपने ज़ॉम्बी बोला तब जाके मैंने देखा यार। हाँ हाँ चलो, अभी फिलहाल गाइस सब लोग बैठ चुके हैं, और लिटरली कुछ लोग तो ऊपर भी बैठे हैं। सिंचन देख, इतने सारे ज़ॉम्बीज हो गए, जल्दी जल्दी बैठ जा अंदर। अरे अंकल बैठो ना, पहले आप बैठो अंकल, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। अरे बैठ रहे हैं, रुको तो। अरे एक मिनट रुक जाओ वरना ज़ॉम्बीज काट लेंगे। अरे भाई मेरे लिए तो रुको। अरे हाँ आप बैठोगे तभी तो। गाइस सच में ये अंकल बड़े धीरे चल रहे हैं यार। अरे बेटा घुटनों में दर्द है, इसीलिए थोड़ा धीरे चलते हूँ। ओके गाइस, अबे फिलहाल मैंने यहाँ पे सभी को रेस्क्यू कर लिया है, और लिटरली गाइस क्या ही बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। चलो फिलहाल यहाँ से मैंने बचा लिया है। सिंचन अभी एक और लोकेशन है जहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं यार। अरे हाँ तो उनको भी बचाते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट बेस कैंप नहीं जाएंगे, उनको भी बचाते हैं तो एक साथ बहुत सारे लोग हो जाएंगे। चलो फ्रैंकलिन भैया। हाँ गाइस, और ये लोकेशन तो कोई पार्किंग ही नजर आ रही है, और हाँ ये पार्किंग के ऊपर है सारे लोग। चलो फिलहाल यहाँ देखो, इतने सारे ज़ॉम्बीज हमारे बस को देखकर आ चुके हैं, लेकिन ये हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके ग्लास बिल्कुल खतरनाक है और अंदर कोई आ नहीं सकता, क्योंकि गाइस कोई भी ज़ॉम्बी अंदर आएगा और वो अपने आप बिजली से बेहोश हो जाएगा यार। अरे हाँ वो बताया था कर्नल अंकल ने, वो बात मुझे अभी तक याद है। अच्छा मैं तो भूल गया था, वाह सिंचन दिमाग तो बहुत तेज है यार। अबे ये बात तो मैंने याद दिलाई है, तो मेरा नाम ले सिंचन का नहीं। अरे यार लेकिन बोली तो सिंचन ने ना। अरे थैंक यू चप, थैंक यू, तू तो मेरी तारीफ हर बात पे कर देता है यार। गाइस लिटरली जैसा चप वैसा सिंचन, और क्या ही बताऊं, दोनों को लेके मैं ही घूम रहा हूँ। चलो दिए हुए लोकेशन। अरे अरे इधर से नहीं जाएगी अंदर, अरे बस इधर से नहीं जाएगी फ्रैंकलिन भैया। अबे एक मिनट, जो लोग ऊपर हो वो लोग थोड़ा नीचे हो जाओ, वरना हाँ हाँ गाइस नीचे यहाँ से तो नहीं जाएगी, आगे एक और गेट है, आगे से ट्राई करता हूँ, क्या पता वहाँ से चले जाए। अरे नहीं जाएगी फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है। गाइस आप लोग देखो खुद, ये बस ज्यादा ऊँची है और ये जो पार्किंग है सिर्फ कार और बाइक के लिए बनी है यार। अरे नहीं नहीं चले जाएगी, थोड़ा और आगे, उसके बाद सब लोग अंदर रहना, और हाँ कोई भी मेरे से बिना पूछे बाहर नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो सोच लेना वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। अरे सर आपके बिना तो हम हिलेंगे भी नहीं, आप टेंशन मत करिए सर। चलो वैसे भी गाइस ज़ॉम्बी तो अंदर जाने वाले नहीं है, क्योंकि उनको अंदर जाते के साथ करंट लग जाएगा और वो बेहोश हो जाएंगे। सिंचन फटाफट हम लोग को छत के ऊपर जाना है, और अबे तेरी पीछे से हमला करता है। लिटरली गाइस ये ज़ॉम्बीज तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सिंचन चल फटाफट ऊपर जाते हैं और सबको बचाते हैं हम लोग। अरे हाँ बचाओ बचाओ, मैं आपको पीछे से कवर दे रहा हूँ। अरे कोई आया है, खाना खाना, भूख लगा है भूख। फ्रैंकलिन भैया देखना ऊपर भी ज़ॉम्बीज हो सकते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, और वेट मेरे सामने आ गई। लिटरली गाइस ये ज़ॉम्बीज तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन आसपास में कोई और ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा। सिंचन फटाफटा
वरना तू अकेले रह जाएगा ना तो सभी ज़ॉम्बीज तुझे छोड़ेंगे नहीं यार। अरे मैं अकेले थोड़ी हूँ, आप हो तो मेरे साथ, आप आगे आगे और मैं पीछे पीछे यार। हाँ हाँ एक मिनट, वेट ये तो गेट लगा हुआ है। ओए तुम कौन हो? अरे मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, गेट खोलो वरना ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। अरे सही बताओ तुम ज़ॉम्बीज तो नहीं हो ना? अरे ज़ॉम्बी इतने प्यार से बात थोड़ी करता है, हम ज़ॉम्बी नहीं है, जल्दी गेट खोलो मेरी बात मानो। अच्छा अच्छा एक मिनट अभी खोलते हैं भाई, देख लो वैसे भी बहुत दिन से सरवाइव कर रहे हैं लेकिन ये ज़ॉम्बीज हमें काट नहीं रहे, ठीक है ना? अरे हाँ ठीक है ये लो हम आ गए और हमारी बस नीचे है इसलिए आप सभी को बोल रहे हैं जल्दी चलो। और फ्रैंक भी है, ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड आ रहा है यार। हाँ भाई साहब पूरा ज़ॉम्बीज का झुंड आ रहा है। और हाँ आप लोग फटाफट दे नीचे भाग के जाओ और मेरी बस में बैठ जाओ जब तक मैं इधर सभी ज़ॉम्बीज को संभालता हूँ। लिटरल गाइस एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज आते जा रहे हैं लेकिन इन सब से बचते बचाते हुए मैं फटाफट नीचे जा रहा हूँ यार। अरे बहुत बढ़िया फ्रैंक भैया, वाह क्या स्पीड है आपके अंदर, मानना पड़ेगा। अरे हाँ मैं जंप ले लेके फटाफट पहुँच रहा हूँ और तुम भी फटाफट आ जाओ वरना ये ज़ॉम्बीज हमें छोड़ेंगे नहीं। लो मैं तो बस के पास पहुँच गया, चलो चलो फटाफट अंदर आ जाओ यार। अरे हाँ सभी लोग जल्दी बस के अंदर बैठो। ओके गाइस फिलहाल मैं तो आ गया लेकिन हाँ जिसको सीट ना मिले वो फटाफट से छत के ऊपर बैठ जाना। सिंचन एक काम कर, जिसको सीट नहीं मिल रही वो फटाफट ऊपर बैठ जाएगा और हाँ तू भी ऊपर बैठ जियो वरना किसी को सीट नहीं मिली तो वो रोएगा यार। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला है, मैं पहले ही ऊपर बैठ जाता हूँ यार, बाकी सभी लोग आराम से बैठे रहना। ओके गाइस फाइनली हमने सबको बचा लिया और वो ज़ॉम्बीज थे वो तो देखते रह गए यार। और ज़ॉम्बीज गाइस लिटरली हमारे पीछे पड़े थे लेकिन मैं और सिंचन काफी ज्यादा ब्रेव है ये तो आपको पता ही है लेकिन हाँ आज आप लोग फटाफट लिख दो ओपी सिंचन और ओपी फ्रैंकलिन। लेकिन चॉप तो किसी काम का है ही नहीं गाइस, वो तो गाड़ी से नीचे उतरता भी नहीं है। फ्रैंकलिन भैया अगर आप मुझे नीचे उतरने दो तो मैं उतर भी जाऊं लेकिन यार मैं लड़ूंगा कैसे, मैं तो सिर्फ काट सकता हूं और अगर मैं एक ज़ॉम्बी को काटूंगा और पीछे वाले ने मेरे को काट लिया तो समझो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा ना। हाँ हाँ चॉप हम तुझे कह भी नहीं रहे क्योंकि गाइस हमारे पास गन है और गन से मैं और सिंचन फाइट तो कर लेते हैं। चलो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं। अरे सर हम कब तक पहुँचेंगे, एक घंटे से अंदर ही बैठा हूँ, जल्दी लेके चलो ना सर। अरे लॉस सैंटोस में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ज़ॉम्बीज ना हो और लॉस सैंटोस से दूर ये एक ऐसा गांव है जहाँ पे अभी तक एक भी ज़ॉम्बीज आया नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बेस कैंप बनाया है और यहाँ पे सभी लोग सेफ रहेंगे और कोई भी ज़ॉम्बीज अंदर नहीं आ पाएगा यार। और हाँ आप सभी को बता दूं कोई बेफालतू में बाहर नहीं निकलेगा, जिसको बाहर जाना हो वो हमेशा के लिए बाहर चले जाना, पहले बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बेस कैंप है, यहाँ थोड़ा सा भी मजाक नहीं चलता यार। एक मिनट गाइस ये लोग गेट नहीं खोलेंगे जब तक मुझे नहीं देखेंगे। अरे सुनो मैं फ्रैंकलिन, गेट खोल दो फटाक से और तुम क्यों बाहर आ रहे हो, फटाफट अंदर बैठ जाओ। चलो अभी गेट खुलता ही होगा, अरे खोलो गेट। वेट वेट अभी पूरी बस सीधी भी तो नहीं है सिंचन, हाँ अब सीधी है, चलो एक और दो अंदर। गाइस हम लोग अंदर आ गए, सब लोग सेफ हो, अब आप लोग आराम से खाना पीना खाओ और आप लोग इस बेस में थोड़ा बहुत हाथ बटाओ ताकि काम करोगे तभी तो नाम होगा। और तो और एक मिनट यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग नीचे उतर के यहाँ पे आर्मी ऑफिसर आपकी चेकिंग करेंगे और देखेंगे किसी को ज़ॉम्बीज ने काटा तो नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बी जिसको काट ले वो ज़ॉम्बी बन जाता है यार। और हाँ अगर आपको काटा होगा तो मजबूरन हमें आपको बाहर रखना होगा और ज़ॉम्बीज के बीच में छोड़ना होगा यार। नहीं नहीं ज़ॉम्बीज के बीच में नहीं, एक रूम है उसके अंदर आपको बंद कर दिया जाएगा। एंगन भैया उसको क्वारंटाइन बोलते हैं यार। हाँ हाँ वही आप लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा जब तक पूरी तरह ये पता ना चल जाए कि आप ज़ॉम्बी हो या नॉर्मल ह्यूमन हो। ए अपना पेट दिखाओ, पेट तुम्हें काटा है कि नहीं यार। हाँ गाइस हर जगह देखी जाएगी जहाँ पे ज़ॉम्बीज का कोई निशान ना हो, इसीलिए यहाँ पे पहले से भी बहुत सारे लोग थे। तो लिटरली गाइस आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया, तो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर देना। लिटरली गाइस आज हम लोगों ने
लॉस एंजेलिस को लोगों को बचा लिया। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं ज़ॉम्बीज़ का क्या होगा।